हेलो भाइयों, मैं विशाल स्वागत करता हूँ आपका अपनी एक नई वीडियो में। जैसे कि ये फ़ोन समथिंग 5-6 महीने पहले लॉन्च हुआ था, तो अभी मैंने 3-4 दिन पहले इसको ऑनलाइन ऑर्डर किया था। जैसे कि अगर फ़ोन की बात करता हूँ तो आप नॉर्मल सीधे देख पाएंगे गैलेक्सी S24 Ultra, और इसका जो वेरियंट है 12256। और कलर की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर कलर है हमारा टाइटेनियम ग्रे। आप लोग सोच रहे हैं यार ये नया तो लग नहीं रहा, मतलब ओपन बॉक्स है, क्योंकि यार बॉक्स इसका ओपन करा हुआ है। जैसे कि अमेजोन से किया था तो यार इतना महंगा फ़ोन है तो समथिंग ओपन बॉक्स डिलीवरी तो लेना बनता है। बाकी जो मैंने फ़ोन खुलवाया था उसकी मैं वीडियो इसी में ऐड कर दूंगा। बाकी अगर जो महंगा आइटम है ना तो मैं चक्कर में खुलवा रहा हूँ। अगर बात करते हैं कि बॉक्स इसका इतना पतला आने लगा है, पहले जैसे कि मैंने नोट 10 प्लस लिया था उसका बॉक्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा अच्छा का था, मतलब उसमें चार्जर वगैरह सब कुछ मुझे इंक्लूड देखने को मिलता था। बाकी आप देखेंगे सील वगैरह तो सब यहाँ पे है टूटी हुई इसकी। यहाँ पे जैसे कि अगर बात करता हूँ जो भी सील वगैरह होती हैं सारी डैमेज है। बाकी अभी मैंने ओपन बॉक्स लिया था तो उसकी भी वीडियो मैं इसी पार्ट में ऐड कर दूँगा। इतने कि यहाँ पर अगर बात करते हैं तो फ़ोन की MRP यहाँ पर 1,34,999 रुपये। बाकी इसमें सिम इजेक्टर टूल, एस पेन, केबल, मैनुअल ये सब आपको देखने को मिलता है। चलिए करते हैं इसको अनबॉक्स। और अनबॉक्स अगर बात करता हूँ मैं कर रहा हूँ कूलर पे, यार गर्मी इस टाइम है कुछ ज़्यादा। बॉक्स आपको नॉर्मल ये सब देखने को मिलता है एकदम। बाकी एक बॉक्स ये आपको ऑफर किया जाता है जैसे कि आप देखेंगे तो यहाँ पे इसके अंदर शायद कवर वगैरह होगा XYZ जो भी चीज़ होगी। एक बार ओपन करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं क्या कुछ है। कवर तो नहीं, बस इसमें हमें लग रहा है यूज़र मैनुअल है और जो हमारी डाटा केबल होती है Type-C to Type-C। बाकी यहाँ पे यूज़र मैनुअल है और सिम इजेक्टर टूल वगैरह है। और अगर फ़ोन की बात करते हैं जो कि हमारा है टाइटेनियम ग्रे कलर, देखने में यार काफ़ी ज़्यादा मस्त लगता। पता नहीं आपको कैमरे पर कैसा शो हो रहा हो कैसा नहीं, मतलब जैसे मैं फील कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बाकी इसको उठाते हैं एकदम। बाकी यहाँ से तो आप समझ ही गए होंगे फ़ोन एकदम नया है। बाकी सील वगैरह तो डैमेज है। बाकी बॉक्स में आपको कुछ भी नहीं देखने को मिलता है। यह इसका सिम इजेक्टर टूल, इसके अंदर और कोई चीज़ भी नहीं कंपनी प्रोवाइड कराती है। रहा इसका यूजर गाइड, बाकी ये सब। बाकी एक बार इसको रैप को अनरैप करते हैं। देखिए यहाँ पे इसका एस पेन आपको देखने को मिलता है, मतलब बॉडी एकदम आपको मेटल की ऑफ़र की गई है, जो भी होगा टाइटेनियम शायद यही है। बाकी एक बार चेक करके बताऊंगा। बाकी एक बार जैसे कि अगर इसको हटाता हूँ तो
कंपनी ने इस पर कोई भी मतलब स्क्रीन प्रोटेक्टर वगैरह नहीं यूज़ करा है। मतलब जैसे कि कुछ फ़ोन होते हैं इस पर कंपनी लगा के देती, लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं। आपको ना आपको पन्नी चढ़ी हुई देखने को मिली, ना इसके ऊपर टेम्पर। जैसे कि अगर मैं आपको पास से दिखाता हूँ, अगर आप पास से देखेंगे जूम करके, तो यहाँ पे आपको कोई भी टेम्पर वगैरह नहीं देखने को मिलता है। इसकी डिस्प्ले मतलब एकदम फ्लैट है, हल्की सी आपको कर्व देखने को मिलेगी। जैसे कि अगर नॉर्मल अगर मैं बात करता हूँ, एकदम इधर से आप देख लें, हल्की सी यहाँ पे आपको कर्व देखने को मिलती है कि ये हमारा फ़ोन। यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप का पीछे बॉक्सी सेटअप देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको सैमसंग की ब्रांडिंग, बाकी इस तरफ आपको एस पेन देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको स्पीकर ग्रिल, और यहाँ पे आपको चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलता है जो कि टाइप सी है। बाकी यहाँ पे आपको सेकेंडरी माइक्रोफोन, और यहाँ पे आपका हो गया सिम इजेक्टर। बाकी ऊपर की तरफ आपको नॉइस कैंसिलेशन के लिए दो माइक वगैरह ऑफर किए गए हैं। बाकी सिम इजेक्टर की वही होता है आपका डुअल सिम हाइब्रिड सिम स्लॉट, शायद यही होगा। बाकी एक बार ओपन करके आपको दिखाता हूँ कैसा है कैसा नहीं है, क्योंकि यार मेरे पास जो नोट 10 प्लस है उसमें तो हाइब्रिड ही मुझे मिला है। बाकी एक बार ओपन करते हैं कि क्या कुछ है इसमें। हाइब्रिड सिम स्लॉट नहीं है, मतलब खाली सिम स्लॉट है, डुअल सिम है। इसमें आपको मेमोरी कार्ड वगैरह का ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगा। बाकी एक बार टेस्ट करके, मतलब एक बार ऑन वगैरह करके देखते हैं कि क्या कुछ है क्या कुछ नहीं। जैसे कि यहाँ पे अभी फ़ोन अनबॉक्स करा, तो यार फ़ोन जब ऑन करा तो एकदम बैटरी है 0%, जो कि मैंने अभी जस्ट अपने पावर बैंक से इसको चार्जिंग पे लगाया है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप देखेंगे एकदम 0% बैटरी, नहीं तो अब तक चार्जिंग वगैरह उठ गई होती। मतलब कंपनी अब प्रोवाइड कराने लगी है 0% फ़ोन चार्जिंग पे। तो वाइज फ़ोन सेटअप हो गया है यहाँ पे। जैसे कि अगर आप देखें, अभी मैंने मतलब डेट वगैरह सेटअप की थी, नेट जैसे ही कनेक्ट किया तो डेट ऑटोमेटिक हो गई है। बाकी सिम वगैरह भी नहीं डाली, वाईफाई से कनेक्ट किया था तो ये सब अपडेट होने लगा जो भी है। बाकी अगर चार्जिंग की अगर बात करते हैं, तो फ़ोन एकदम मुझे डेड मिला था, मतलब 0% चार्ज था। एक बार खोला ही नहीं, तो उसके बाद मैंने अपना जो नोट 10 प्लस का चार्जर है उसी से मैंने चार्जिंग पे लगा दिया, जैसे कि ये जो लगा हुआ है। बाकी अपना मैं पावर बैंक से कर रहा हूँ चार्ज। तो यहाँ पे बैटरी की अगर बात की जाए चार्जिंग की, तो यहाँ पे आपको चार्जिंग 1 घंटा 10 मिनट में यूनिट फुल दिखा रहा है। मतलब 1 घंटा 10 मिनट में समथिंग 60-70 मिनट में आपका डिवाइस फुल हो जाएगा। बाकी जो भी हमारा ये सब अपडेट हो रहा है, अभी तो खैर कुछ हुआ नहीं, बाकी सेटअप वगैरह करेंगे बाद में। बाकी जो इसका कैमरा है, एक बार देखते हैं क्या कुछ। बाकी ऊपर चल के एक बार कैमरे का जूम टेस्ट करते हैं, फिर आपको दिखाएंगे कि इसमें कितना जूम है कितना नहीं, क्यों अभी तो खैर फ़ोन हमारा डाउन है। एक बार चार्ज हो जाएगा फिर बात करते हैं इसके कैमरे की क्वालिटी की, कि क्या क्वालिटी हमें इसमें देखने को मिलती है। यार वीडियो तो मैंने भी बहुत देखी थी कि 100x जूम, इतनी दूर का जूम दिखाता है, इतनी दूर का नहीं। आज जब अपने हाथ में फ़ोन आया है
तो एक बार ज़रूर चेक करूँगा और आप सबके लिए बताऊँगा डिटेल में कि फ़ोन कैसा है कैसा नहीं है। कैसा बैकअप तो यार नॉर्मली यार चाहे 5000 mAh हो 10000 mAh हो 6000 mAh हो बैटरी एक दिन ही चलती है, क्योंकि फ़ोन जब होता है चार्ज तो चाहे मैं हूँ चाहे एक्सपायर्ड कोई भी बंदा फ़ोन आराम से वो चलाता रहता है। तो एक दिन मान के चलिए बैटरी इसकी, मैं क्योंकि दिखा रहा है 1 घंटा 10 मिनट, एक बार फ़ोन चार्ज हो जाता है अच्छा खासा मतलब 40-50%। फिर उसके बाद करते हैं इससे वीडियो शूट और फिर आपको दिखाता हूँ। खैर जब तक चार्ज हो रहा है एक बार ओवरव्यू आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी एस सीरीज, इससे पहले नोट सीरीज थी अब एस सीरीज है। तो यहाँ पे कैमरे का सेटअप आप देखेंगे एकदम आपको उभरा हुआ देखने को मिलता है, मतलब कैमरे का सेटअप काफ़ी ज़्यादा मस्त है। यहाँ पे अगर बॉडी की अगर मैं बात करता हूँ तो बॉडी भी अच्छी खासी यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, जो भी कॉर्नर हैं एकदम इसके शार्प हैं। बाकी यहाँ से आप अगर देखेंगे तो तब आपको दिखेगा, मतलब इस फ़ोन में आपका जो भी टेम्पर्ड है हर जगह आपको मिल जाएगा। जैसे कि कर्व फ़ोन होता है ना तो आपको प्रीमियम सेट हो जाता है कर्व फ़ोन, लेकिन प्रीमियम सेट तो ये भी है उनसे ज़्यादा प्रीमियम ही है। लेकिन इसमें फ़ायदा ये है इसका टेम्पर्ड ग्लास आपको हर जगह देखने को मिलेगा, मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ प्रीमियम सिटी जाएंगे तभी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ प्रीमियम सेट की, एकदम कर्व फ़ोन होते हैं तो उनके आपको टेम्पर्ड हर जगह अवेलेबल नहीं देखने को मिलते। या तो आप ऑनलाइन परचेज करें या फिर कहीं अगर जा रहे हैं घूमने तो आप एक्स्ट्रा 2-3 एक्स्ट्रा परचेज करके रख सकते हैं। जैसे कि मैं चला रहा हूँ नोट 10 प्लस, तो यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा अपने पास परचेज करके रखता हूँ कि बाई चांस टूट जाता है। जैसे कि अभी जो मेरा यूवी वाला इस पर चढ़ा हुआ है तो वो तो खैर अच्छा खासा टाइम तक चल ही जाता है, लेकिन नॉर्मल ग्लास की अगर बात करता हूँ तो इस फ़ोन की आपको नॉर्मल यानी कि हर टाइप के आपको ग्लास देखने को मिल जाएंगे हर शॉप पे, जो भी मतलब ठीक ठाक बजट के फ़ोन रखते हैं वहाँ पे। चलिए एक बार फ़ोन फुल चार्ज हो जाता है थोड़ा बहुत, उसके बाद वीडियो वगैरह इसके शूट करते हैं। तो वैस फ़ोन हो गया हमारा ये S24 Ultra समथिंग 30% चार्ज। बाकी ये जो हमारे छत से जो टावर हैं अच्छे खासे दूरी पर होंगे, समथिंग 300-400 मीटर के आसपास, देखते हैं जूम करके कि क्या आ रहा है क्या नहीं, कितना जूम टेस्ट है अभी। जैसे किया है 0.6, बनेक्स हो गया है और ये हो गया हमारा 3x, मतलब पता नहीं यहाँ पे सो हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा। खैर मैं इस फ़ोन में एक बार लगाता हूँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग, फिर उसके बाद मीडिया एंड माइक क्यों ऐसे। तो इस टाइम टेम्परेचर काफ़ी अच्छी खासी धूप है यहाँ पे, क्योंकि रिकॉर्डिंग अगर मैं पता नहीं भाई शो हो रहा होगा नहीं हो रहा होगा डिस्प्ले, इसलिए मैंने इसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा दी है। और अब करते हैं कैमरा को ऑन, जैसे कि दोनों मैं एक ही बार में अटैच कर दूंगा साथ में अभी। तो जैसे कि 0.6 है, ये हो गया 1x, ये हो गया 3x, ये हो गया 5x हमारा, और ये हो गया हमारा 10x। दो टावर हैं घर के पास में, एक इधर हो गया और एक हो गया ये, क्योंकि अगर ये खास से मैं करता हूँ तो भाई चांस कम है होने के, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ अगर हो जाएगा, क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग इसमें चल रही है तो मैं अभी इसी से रिकॉर्ड करके बाद में इससे अटैच कर लूँगा। टेम्परेचर काफ़ी अच्छी खासी धूप है यहाँ पे, क्योंकि रिकॉर्डिंग अगर मैं पता नहीं भाई शो हो रहा होगा नहीं हो रहा होगा डिस्प्ले, इसलिए मैंने इसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा दी है। और अब करते हैं कैमरा को ऑन, जैसे कि दोनों मैं एक ही बार में अटैच कर दूंगा साथ में अभी। तो जैसे कि 0.6 है, ये हो गया 1x, ये हो गया 3x, ये हो गया 5x हमारा, और ये हो गया हमारा 10x। दो टावर हैं घर के पास में, एक इधर हो गया और एक हो गया ये, अगर ये खास से मैं करता हूँ तो भाई चांस कम है होने के, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ अगर हो जाएगा, क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग इसमें चल रही है तो मैं अभी इसी से रिकॉर्ड करके बाद में इससे अटैच कर लूँगा। तो गाइस ये हमारा 10x
ये हो गया तो गाइज ये हमारा 100x। लेकिन 100x जूम करने का मतलब है आपको हाथ अपना काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रखना होगा। जैसे कि आप देखेंगे तो मतलब हल्का सा भी हाथ अगर शेक होता है तो मतलब जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है एकदम कैमरे से गायब हो जाता है। 78, 79, 80, 79। तो ये है हमारा 100x जूम। तो यहाँ पे जो भी लाइट वगैरह लगी है वो आपको देखने को मिल रही है 100x के बाद। और अगर इसका फ़ोटो एक बार मैं इसका फ़ोटो क्वालिटी आपको दिखा दूँ, जैसे कि 3x पे अगर आप फ़ोटो लेंगे तो कुछ ऐसा आएगा। एक बार दिखा भी देता हूँ आपको, मतलब हिस्सा ही देखने के काबिल आता है। और उसके बाद 5x हो गया हमारा 10x। जो 10x पे हमारा फ़ोन फ़ोटो लेता है ना वो मतलब कुछ काफ़ी ज़्यादा क्लियर आपको देखने को मिलेगा। बाकी अगर बात करते हैं 10x के, जैसे ही आप हल्के हल्के ऊपर बढ़ते हैं तो पिक्चर थोड़ी क्लियर होने के बाद एकदम हल्के हल्के ब्लर होना शुरू हो जाता है। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो मतलब जितना आप जूम बढ़ाते जाएंगे उतना ही फ़ोटो हमारी ब्लर होती रहेगी। जैसे कि इस पे तो इतना कुछ नीचे की तरफ नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे एक पास में टावर है एक, और अगर इसको जूम करते हैं जैसे कि ये जो इसका डमरू लगा हुआ है, मतलब जो भी होगा यार हम तो लोग खैर इसे डमरू ही बोलते हैं। अगर इसका मैं फ़ोटो लेता हूँ, भाई कहाँ चला गया डमरू। ये है डमरू हमारा, मतलब इतना क्लियर हो गया एक बार। अभी हमारा है, एक बार अगर इसकी मैं पिक लेता हूँ, खैर हो गया फ़ोटो, अब हो गया। ये है हमारा 100x। फ़ोटो आपको दिखाता हूँ, तो ये है जो फ़ोटो है 100x वाला है, ये उससे कम वाला है, ये हमारा 10x, ये 5x। मतलब कैमरा क्वालिटी ठीक ठाक अच्छी है, मतलब इसमें अगर जूम की अगर मैं बात करता हूँ, क्योंकि मेरे पास इससे पहले जो डिवाइस है नोट 10 प्लस है उसका कैमरा मतलब नॉर्मल 10x ही है। बाकी अगर जूम की हम बात करते हैं तो जूम भाई इसमें कुछ ज़्यादा ही अच्छा आपको देखने को मिलता है। खैर यहाँ पे तो खैर ये सब हो गया। बाकी एक घर के पास में मंदिर है, उसको एक बार शूट करके आपको दिखाता हूँ कि वहाँ पे क्वालिटी कैसी आती है कैसी नहीं। ये हो गया हमारा 3x, 5x और ये हो गया 10x। मतलब 10x पे आपको क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा मस्त देखने को मिलती है। यहाँ पे अगर इससे ज़्यादा अगर आप जूम करेंगे तो जो पेड़ के अंदर जो शाखाएं हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। और अगर ऊपर का आपको एक बार दिखाता हूँ, यहाँ पे एक शायद बाज उड़ रही है, अगर इसको कैप्चर कर पाते हैं। इसको कैप्चर करना नामुमकिन है क्योंकि धूप है काफ़ी ज़्यादा और ये अचानक दिख रही है। काफ़ी ज़्यादा स्पीड में उड़ रही है। बाकी और कुछ काफ़ी ज़्यादा स्पीड में मतलब हवा चल रही है, तो उसी हिसाब से हमारा जो झंडा एक छत पर लगा हुआ है 100x जूम करने के बाद कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिलता है। बाकी इसके ऊपर भी कुछ
कुछ ना कुछ लगा हुआ है। खैर यहाँ पे एक फ्लैग लगा हुआ, उससे वीडियो कैप्चर करता हूँ उसकी। तो ये हमारा 100x, मतलब कैमरा तो ठीक ठाक है, मतलब आप अगर ज़्यादा जूम करना पसंद करते हैं तभी आपके लिए ठीक है, लेकिन हाँ वीडियो क्वालिटी की अगर हम मैं बात करूँ तो यहाँ पे वीडियो क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी सूट होती है, जो कि फ़ोन है सैमसंग गलेक्सी S24 Ultra, जिस हिसाब से कैमरा फ़ोन है उसी हिसाब से मतलब कैमरे की क्वालिटी भी दी हुई है। यहाँ पर झंडे के ऊपर लिखा हुआ हनुमान जी का फ़ोटो है और लिखा है जय श्री राम। यहाँ पर जूमिंग क्वालिटी भाई काफ़ी ज़्यादा मस्त है, अगर आप कैमरे के शौकीन है और फ़ोन आप प्रीमियम चलाना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट फ़ोन रहेगा ये। खैर इसका मैं अभी तो मैंने आपको इसका कैमरा सैंपल दिखाया था, मतलब फ़ोटो वगैरह जूम वगैरह कैसे होता है, अब बाकी इसका एक वीडियो सैंपल आपको दिखाऊंगा, जैसे कि अभी तो वीडियो शूट हो रही है मेरी जिससे मैं हमेशा शूट करता हूँ Note 10 Plus, अब जो मतलब इसके बाद आप जो वीडियो देखेंगे उसके लिए ये फ़ोन होगा S24 Ultra। चलिए इस पे अब स्विप करके आपको दिखाते हैं कि कैसा कुछ है कैसा क्या कुछ नहीं है, बाकी आप भी कमेंट बॉक्स में बताना कि कैमरा कितना इम्प्रूव है कितना। तो गाइस अब आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं ये वीडियो हमारी शूट हो रही है सैमसंग गलेक्सी S24 Ultra से, बाकी अगर यहाँ पे जूमिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो वीडियो नॉर्मल में आपको फ़ोटोज़ में तो जूम दिखा चुका हूँ, और अगर वीडियो में अगर मैं दिखाऊँ कि आप अगर वीडियो में जूम करना देखना पसंद करेंगे तो ये तो हो गया हमारा 1x 0.6, ये हमारा 1x 3x, ये हो गया 5x, ये हो गया, ये हो गया हमारा 10x, बाकी वीडियो में आप सिर्फ 20x तक जूम कर पाएंगे जो कि टावर लगा हुआ, मतलब इतना कुछ है। बाकी मतलब कैमरा सैंपल अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे कैमरा सैंपल काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपको देखने को मिलता है, जैसे कि अगर मैं ये जो प्लांट है हमारा पता नहीं किस चीज़ का किस चीज़ का नहीं, और अगर दिखाऊं तो यहाँ पे आप अगर प्लांट वगैरह देखते हैं तो कैमरा क्वालिटी आपको काफ़ी ज़्यादा मस्त देखने को मिलती है, जो कि जिस हिसाब से फ़ोन की कीमत है उसी हिसाब से इसमें आपको कैमरा वगैरह भी देखने को मिलता है। बाकी साउंड आउटपुट कैसा है कैसा नहीं वो मैं जब वीडियो एडिट करूँगा तब मैं आपको मतलब सुन पाऊँगा, बाकी जब आप लोग वीडियो देखेंगे तब पता नहीं यार कैसा हो रहा, मतलब कमेंट बॉक्स में यार मुझे ज़रूर बताना कि इस फ़ोन से वीडियो रिकॉर्डिंग ठीक ठाक हो रही है या उस फ़ोन के मुकाबले इसमें कितना आपको चेंजेस देखने को मिलता है। जिस हिसाब से मैं कैमरा सैंपल अपनी आंखों से देख रहा हूँ मुझे तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस लगते हैं, बाकी जब वीडियो एडिटिंग पे डालूँगा तब पता चलेगा कि कैमरा सैंपल मेरे लिए कैसा है कैसा नहीं है।
गाइज़ मैं यहाँ पे इसके ओवरव्यू की अगर मैं बात करता हूँ, मतलब फ़ोन यार काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है सैमसंग का, जो भी है हमारा सामने S24 Ultra। तो मतलब अगर मैं इस साइड से अगर मैं आपको दिखाऊँ, जैसे कि यार फ़ोन हाथ में आता है ना, तो भाई फ़ोन लगता है कि भाई फ़ोन में वेट है। अगर वेट की बात करें तो समथिंग अच्छा खासा वेट है यार। जैसे कि मेरे पास जो Note 10 Plus है उसमें भी ठीक ठाक वेट है, लेकिन ये जो है उससे ज़्यादा अपग्रेड वेरियंट है। जैसे कि Note 10 Plus में समथिंग 4300 के आसपास mAh बैटरी है, और इसमें आपको 5000 mAh बैटरी देखने को मिलती है। तो उस हिसाब से इसमें वेट भी ज़्यादा है, थोड़ा विड्थ वाइज भी मतलब ये थोड़ा फ़ोन चौड़ा है मेरे Note 10 Plus से। यहाँ पे अगर मैं ओवरव्यू की अगर बात करता हूँ, तो यहाँ पे आपको थोड़ा लुक वाइज चेंज देखने को मिलता है। जैसे कि फ़ोन आपका, जैसे S Pen अभी मैंने निकाल दिया, तो मैं अगर इसको फर्श पे छोड़ूंगा तो आराम से फ़ोन जो है मतलब खड़ा रहेगा थोड़ी देर, मतलब अभी फ़ाइन चल रहा है, तो उस हिसाब से थोड़ा फ़ोन आपको हिलता हुआ नज़र आएगा। लेकिन हाँ, अगर आप S Pen लगा देंगे तो फ़ोन आपका फ़र्श पे खड़ा नहीं हो पाएगा। तो आप अगर S Pen लगाने के बाद खड़ा करें, तो आपको पीछे कोई ना कोई चीज़ बैलेंस करने के लिए लगानी होगी। यहाँ पे आपको कैमरा मॉड्यूल कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है, मतलब कैमरा देखने के बाद तो आप जब देखेंगे ना हाथ से, जब आप हाथ से फील करेंगे तो आपको लगेगा हाँ भाई कैमरा है कोई चीज़। यहाँ पे देखिए, अगर मैं दिखाता हूँ तो मतलब अच्छा खासा आपको देखने में मिलता है। बाकी एक बार ऑन करके आपको एक बार मैं फिर से दिखा दूँ, क्योंकि फ़ोन चार्जिंग पे लगाया था। यहाँ पे जैसे कि सारे डिज़ाइन, जैसे कि चाहे S22 Ultra हो, 23 Ultra हो, 24 Ultra हो, चाहे Note 10 Plus हो, मतलब नोट सीरीज कोई भी हो, या अब कंपनी ने S सीरीज लॉन्च कर दी है, तो सभी में आपको कैमरा कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है। एकदम फ़ोन मतलब जल्दी भी ऑन हो जाता है। बाकी अगर कैमरे की अगर मैं बात करता हूँ, तो जब आप कैमरा देखेंगे, मतलब फ़ोन सॉफ्टवेयर अपडेट आ चुका है। खैर इसको तो मैं बाद में अपडेट करूँगा। तो अभी जैसे कि है हमारा 0.6 पे, अब हो गया हमारा 0.1x, 3x हो गया, 4x हो गया। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाता हूँ, मतलब कैमरे से अगर आप नॉर्मल देखेंगे, अभी कोई चीज़ आप पढ़ नहीं पाएंगे। जैसे कि यहाँ से अगर मैं जूम करूँगा तब आप पढ़ पाएंगे, लेकिन यहाँ पे अगर मैं इसके क्वालिटी की बात करता हूँ, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारा 1x हो गया, ये हमारा 3, मतलब अब आप आराम से पढ़ पाएंगे कि फ़ोन में क्या क्या कुछ दिया हुआ है, क्या कुछ नहीं। बाकी कैमरा रिव्यू तो मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ, मतलब इसी वीडियो में आपको कंप्लीट वीडियो जब आप देखेंगे तो आप आराम से इसको देख पाएंगे। बाकी अगर सेटिंग वगैरह की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं, जो कि सैमसंग की प्रीमियम फ़ोन में आपको ऑफ़र की गई हैं, कि फ़िल्टर वगैरह फेस, मतलब इस हिसाब से आप आराम से कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे जैसे कि अब ज़्यादातर कंपनियाँ आपको बैटरी तो ठीक ठाक प्रोवाइड कराती हैं, जैसे कि इसमें आपको S Pen, मतलब अभी इसका बाहर है तो S Pen, हाँ एक बार मैं आपको इसका S Pen भी दिखा देता हूँ। तो S Pen अगर आप देखेंगे, तो जिस हिसाब से S Pen का कलर है उसी थोड़ा मैच करता हुआ आपको ये सब देखने को मिलता है। ये टाइटेनियम ग्रे फ़ोन का कलर है, और ये भी थोड़ा आपको ग्रेज लुक में आपको देखने को मिलता है। ये सब है कि S Pen के तो काम आप सभी लोग जानते होंगे कि S Pen का क्या काम है क्या नहीं। जब आप कैमरा वगैरह चलाएंगे तो फ़ोन वगैरह आपका S Pen के थ्रू ही जूम आउट वगैरह करेगा। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाता हूँ, मतलब यार इस हिसाब से ही काम करता है। बाकी खैर S Pen ठीक ठाक है। जैसे कि नोट सीरीज में भी आपको S Pen देखने को मिलता था, और जो हम सैमसंग गैलेक्सी S सीरीज आई है, इसमें भी आपको S Pen ऑफ़र किया गया। बाकी S Pen की पोजीशन थोड़ी चेंज हो गई है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया भी है। इस फ़ोन में आपको लेफ़्ट साइड ऑफ़र किया गया है, बाकी Note 10 Plus में आपको राइट साइड ऑफ़र किया जाता है। नीचे आपको स्पीकर ग्रिल देखने को मिलता है, बीच में आपको चार्जिंग पोर्ट, बाकी यहाँ पे आपको सिम ट्रे आपको डुअल सिम देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको कोई भी हाइब्रिड सिम स्लॉट वगैरह ऑफ़र नहीं किया गया है। बाकी अगर अंदर से आपको दिखा दूँ, तो ये सब मतलब आपको फ़ोन में सेटिंग, बाकी
लोकेशन वगैरह ये सब, नेटवर्क सॉफ्टवेयर अपडेट आ चुका है इसका, जो भी होता है वो सब अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट 483 MB में आपको देखने को मिलता है, जो कि वन UI वर्जन 6.1 है। और यहाँ पे अगर नेटवर्क वगैरह की बात करते हैं, फ़ोन है जैसे कि 5G, वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको बैजिंग देखने को मिलती है गैलेक्सी S24 Ultra, कुछ इस टाइप का आपको बॉक्स देखने को मिलता है। यहाँ पे भी आपको S24 Ultra की बैजिंग देखने को मिलती है। यहाँ पे अगर बात करते हैं तो ये सब आपको ऑफ़र किया जाता है, फ़ोन 5G है और वही मतलब बॉक्स वगैरह कुछ इस टाइप के देखने को मिलते हैं, रिसाइकल मटेरियल के, मतलब अगर आप कहीं फेंक दिए हैं तो मतलब ये ऐसा नहीं है कि गलेगा नहीं, आराम से गल जाएगा। और बॉक्स की तो बात कर चुका हूँ पहले, क्योंकि यार मैंने पहले ही आपको बता दिया था फ़ोन ओपन बॉक्स डिलीवरी था, तो बंदा तो कह रहा था जो कूरियर बॉय था, भैया मैं ओपन करूँगा नहीं, तो मैंने OTP देने थे, मना कर दिया, तो खैर मान गया, चलिए मैं ओपन करके दिखा दूँ। तो उसकी भी वीडियो मैं इसी में ऐड कर दूँगा, आगे पीछे आप आराम से देख लेना। जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को इसका कैमरा टेस्ट वगैरह दिखाया, यार कैमरा टेस्ट तो वाकई में काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। बाकी अगर कैमरे मॉड्यूल की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे आप देखें मतलब हाथ में फ़ोन जो होगा मतलब देखने पे यार काफ़ी ज़्यादा मस्त लगता है। जैसे कि नोट 10 प्लस और इसमें कितना फ़र्क है कितना नहीं, 19-20 का फ़र्क समझ सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको इसमें फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, आप ये जो फ़ोन है हमारा S24 Ultra, यहाँ पे SPN जो ये जो नया फ़ोन है S24 Ultra, इसमें आपको इस साइड देखने को मिलता है, और जो नोट 10 है वहाँ पर आपको कुछ इस साइड में पोजीशन आपको देखने को मिलती है, सेम इजेक्टर आपको ऊपर, इसमें आपको नीचे आए, और नोट 10 प्लस में आपका ऊपर आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का था इस फ़ोन का रिव्यू, अनबॉक्सिंग वगैरह जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया। बाकी आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना कि आपको ये फ़ोन कैसा लगा कैसा नहीं है, और बाकी एक बार मैं इसका लॉन्ग टाइम रिव्यू भी अच्छे से करूँगा। तो यहाँ पर कुछ इस तरह का था इस आज की वीडियो का। तो आप सभी को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।